नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बथुआ के पकोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पकोड़े बनाना। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चने की दाल, एक बड़ी कप चने की दाल ले ली है। इसे 7 से 8 घंटे तक मैंने भिगो लिया है। अब इसे हमें पीस लेना है। पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर की जार में दाल के साथ हम 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल करके पीस लेंगे और बिल्कुल फाइन पीसना है, इसे दरदरा नहीं रखना है। तो ये देखिए, इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हमें और चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्याज बारीक काट ली है, साथ में हरी धनिया कटी हुई है, जीरा है, अजवाइन है और ये नींबू का रस है और साथ में अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ और ये है बथुआ के पत्ते जिसे मैंने धो करके चॉप कर लिया है रफली। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मिक्सचर का तैयार करते हैं। उसके लिए देखिए, दाल मैंने बिल्कुल अच्छे से मिर्च के साथ महीन पीस लिया है। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले ये बारीक कटा प्याज डालेंगे और साथ में हम इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे। हरी धनिया ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में ये अजवाइन डालेंगे और ये अदरक है कद्दूकस किया हुआ ये, और जीरा है दरदरा किया हुआ वो भी ऐड कर देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं पकोड़े, साथ में इसके में बथुआ रहता है तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बच्चों की स्नैकिंग के लिए। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स में अब बचा है हमारा बथुआ जिसे मैंने रफली चॉप किया है। इसे हम थोड़े थोड़े बैचेस में डालेंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे। पहले थोड़े को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर बाकी के बचे हुए बथुओं के पत्तों को भी इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्सअप हो गया। अब जो मेरा बचा हुआ बथुआ है हम उसे भी इसमें डालेंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बथुआ के बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए बथुए को अपने खाने में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, साथ में नींबू का रस ऐड करेंगे और बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि नमक के ऐड होते ही बथुआ पानी छोड़ेगा तो हमारा ये मिक्सचर गीला होने लगेगा, इसीलिए इसे तलने के ठीक पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी है। अब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें अपने तैयार मिक्सचर के बॉल्स बनाएंगे और एक एक करके इसमें यूं ही डालते जाएंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और इस तरीके से जितने भी कैपेसिटी हो तेल की उतनी हम इसमें पकोड़े एक साथ डाल सकते हैं, ये फूटते नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। टी टाइम स्नैकिंग का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, साथ में बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि बच्चे जनरली पालक बथुआ खाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत ही उनके लिए ऑप्शन अच्छा है। ये देखिए, इस तरीके से हम चला चला कर अपने सभी पकौड़ों को तल लेंगे और हमारे बथुआ के पकौड़े रेडी हो जाएंगे सर्विंग के लिए।